नमस्कार प्रिय साथियों, आज का विषय हमने लिया है विशेष धन योग। जन पत्रिका में कब कैसी गृहस्थिति बनने के कारण धन योग का प्रादुर्भाव होता है, किन किन ग्रहों से, किन किन भावों में, किन किन ग्रहों से कैसी कैसी स्थिति उत्पन्न होने पर धन योग का आविर्भाव होता है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। पूर्व में भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने धनेश की स्थिति को लेकर के चर्चा की थी कि महर्षि पाराशर जी ने उनके परम शिष्य मैत्रेय को उपदेश देते हैं, उस उपदेश में उन्होंने सभी ग्रह स्थितियों का अच्छे से वर्णन किया है, लेकिन काल क्रम को ध्यान में रखते हुए, ग्रंथ तो है लेकिन अध्ययनरत छात्र ढूंढने से ही मिलते हैं, पर उस ग्रंथ की जो बृहत पाराशर होरा शास्त्र है उसकी आज भी वही उपयोगिता है जो आज से पूर्व में प्राचीन काल में रही है। तो मैं जो भी आपको श्लोक के माध्यम से, संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से ही आपको मैं बताऊंगा, अन्यथा अगर मैं ऐसे ही बोलूं तो उसमें कुछ प्रामाणिकता नहीं रहेगी। यहाँ पर जो भी मैं वचन कहूँ या फिर जिनका भी आश्रय लूँगा मैं अपने वचनों में, वो आश्रय महर्षि पाराशर जी का ही रहेगा। वो उपदेश मैत्रेय को करते हैं, ये हमको सर्वप्रथम ध्यान रखना होगा। बृहत पाराशर होरा शास्त्र फलित ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुसार ही आज जो मैंने पूर्व में भी कहा था वैसा ही आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहने का प्रयास करूंगा। इसमें त्रुटि भी हो सकती है, क्योंकि यदि त्रुटि भविष्यति परीक्षन्तव्यः, क्षमा प्रार्थी भी रहूंगा मैं। चलिए हम विषय में प्रवेश करते हैं। तो सर्वप्रथम महर्षि पाराशर जी कहते हैं मैत्रेय को कि अथातः संप्रवक्ष्यामि धनयोगम विशेषतः। ये विशेष धन योग है, इसलिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं धनयोगम विशेषतः संप्रवक्ष्यामि, मैं उनको कहूँगा। फिर कहते यस्मिन योगे समुत्पन्नो, जिस योग में जो उत्पन्न होता है इन योगों में, यस्मिन योगे समुत्पन्नो, इन योगों में जो उत्पन्न होता है निश्चितो धनवान भवेत, वह जातक निश्चित तौर पर यानी कि अवश्य ही अवश्य धनवान बनता ही बनता है। बीच में और एक बात कह दूं कि 10 श्लोक ही हम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे आज, क्योंकि श्लोक की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आगे कहते हैं पंचमे भृगुज क्षेत्रे तस्मिन शुक्रेण संयुत, पंचम भाव में भृगु की राशि हो, शुक्र की राशि हो और वहीं पर शुक्र भी युक्त हो, यानी कि तुला राशि हो या वृक राशि हो। फिर कहते हैं लाभे भौमेन संयुक्त बहुद्रव्यस्य नायक, और लाभ भाव में कौन हो, मंगल हो, तो ऐसा जातक क्या होता है, बहुद्रव्य, बहुत धनवान होता है। कौन सा लग्न होगा, मकर लग्न होगा एक तो, और एक कन्या लग्न होगा। यदि इन दोनों में शुक्र पंचम भाव में है और लाभ भाव में मंगल है तो धनवान है, सीधा संपल है, सिंपल सी बात है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं पंचमे तु बुध क्षेत्रे तस्मिन बुध युतो सती, पंचम भाव में बुध की राशि हो या फिर हो या नहीं, और बुध भी वहीं पर बैठा रहे, पंचम भाव में बुध की राशि हो, कन्या हो या मिथुन हो, कुंभ लग्न हो, तो और बुध भी वहीं पर बैठा रहे कन्या राशि या मिथुन राशि में। फिर कहते हैं चंद्रे भौमे गुरो लाभे, चंद्रमा मंगल और गुरु ये कहाँ पर हो, लाभ भाव में हो तो बहुद्रव्यस्य नायक, तो ऐसा जातक भी बड़ा धनवान हो जाता है। अब क्योंकि प्रत्येक राशि आएगी पंचम भाव में। पंचमे च रवि क्षेत्रे, पंचम भाव में कौन सी राशि हो, सिंह राशि हो, तस्मिन रवि युते सति, उसमें रवि स्वयं ही विराजमान हो। फिर कहते लाभे शनि इंदु जीवाड्डे, लाभों में कौन कौन से ग्रह हो, शनि इत्युक्ते मंदः इत्युक्ते, शनि इंदु मतलब चंद्रमा,
जीवा डे, जीव का मतलब होता है गुरु, ये लाभ भाव में हो। तो कहते हैं बहुद्रव्यस्य नायका, वह भी बड़ा धनवान होता है। आगे कहते हैं महर्षि पाराशर जी, पंचमे तु शनि क्षेत्रे, पंचम भाव में कौन सी राशि हो, कुंभ हो या मकर हो, शनि का क्षेत्र हो, तस्मिन शनि युते सति, और वहां पर कौन सा ग्रह बैठा रहे, शनि स्वयं ही बैठा रहे। फिर कहते हैं लाभे रवि इंदु संयुक्ते, और लाभ भाव में कौन कौन से ग्रह हो, सूर्य रवि इंदु इत्युक्ते चंद्रमा, वो लाभ भाव में संयुक्ते बहुद्रव्यस्य नायक, तो ऐसा जातक भी बड़ा धनवान होता है। फिर वो आगे कहते हैं पंचमे तु गुरु क्षेत्रे तस्मिन गुरु युते सति, सभी ग्रहों का कहेंगे यहाँ पे, पंचम भाव में गुरु की राशियां हो, कौन कौन सी, धनु या मीन, और वहां पर गुरु स्वयं स्थित हो। फिर कहते हैं लाभे, लाभ भाव में कौन सा ग्रह रहे, लाभे चंद्र सुते जातो, चंद्रमा का सुत कौन है, बुध, लाभ भाव में बुध हो तो बहुद्रव्यस्य नायक, ऐसा जातक भी बड़ा धनवान होगा। फिर आगे महर्षि पाराशर जी मैत्रेय जी को उपदेश करते हुए कहते हैं पंचमे तु कुजक क्षेत्रे, यानी कि पंचम भाव में मंगल की स्वयं की राशि स्थित हो, और उसी भाव में तस्मिन कुजयुते सति, और वहां पर कौन हो, मंगल स्वयं स्थित हो। तो फिर कहते लाभे भृगुपुत्रे तु, लाभ भाव में भृगुपुत्र इत्युक्ते शुक्र हो, तो फिर क्या कहते हैं बहुद्रव्यस्य नायकः, ऐसा जातक भी बड़ा धनवान होता है। ये में महर्षि पाराशर जी के वचन है, ये अनुष्टुप छंद में ही चलते हैं सभी श्लोक, यहाँ पर हमें दूसरा व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है, शब्द बदलने रहते हैं बस। फिर कहते हैं पंचमे तु शशि क्षेत्रे तस्मिन शशि युते सति, शशि इत्युक्ते शनि, पंचम भाव में शशि नहीं, शशि इत्युक्ते चंद्रमा, शशि मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा स्थित हो उस पंचम भाव, उसकी राशि हो, कौन सी राशि, कर्क, और कौन रहे वहाँ पे, शशि युते सति, शशि मतलब चंद्रमा ही पंचम भाव में स्थित रहे। हाँ, फिर कहते हैं शनौ लाभ स्थिते जातो, शनि कहाँ पर हो, लाभ भाव में स्थित हो, तो ऐसा जातक भी क्या होता, बहुद्रव्यस्य नायक है, ऐसा जातक भी बहुद्रव्य का नायक होता है। फिर कौन सा रह गया, भानु क्षेत्र गते लगने, भानु इत्युक्ते कहा सूर्य, क्षेत्र गते लगने, लग्न में ही लग्न आता है यहाँ पे, भानु क्षेत्र गते लग्न में, लग्न में कौन हो, सूर्य का ही लग्न हो, और तस्मिन भानु युते कौन, वहीं पर सूर्य बैठा रहे, लग्न में ही सूर्य हो, सूर्य का ही लग्न हो, सिंह लग्न हो। फिर कहते भौमेन गुरुणा युक्त, भौम से गुरु से युक्त हो या दृष्टे जातो युतो धनई ही, यानी ऐसा जातक भी क्या होता है, युत हो या दृष्ट हो तो ऐसा जातक भी बड़ा धनवान होता है, बड़ा धनवान होता है। फिर कर्क लग्न के लिए बताते हैं, फिर आगे चंद्र क्षेत्र गते लग्ने तस्मिन चंद्र युते सति, कर्क लग्न हो और वहां पर ही चंद्रमा स्वयं बैठा रहे, तब क्या, बुधेन गुरुणा युक्ते, बुध से या फिर गुरु से, यहाँ पर तृतीया एक वचन आता है, बुधेन गुरुणा, सब जब शब्द रूप बोलते हैं, युक्ते दृष्टे जातो धनी भवे, तो ऐसा जातक भी क्या होता है, बड़ा धनवान हो जाता है। तो आज ये 10 श्लोक हमने लिए हैं, ये 10 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसको मेरी प्रयास रहेगा कि इसको मैं आपके स्क्रीन पर भी चलाने का प्रयास करूँ इन श्लोकों को, ताकि आप इन श्लोकों को लिख भी सको, पुस्तक ना हो तो लिख सको, और पुस्तक हो तो बड़ी अच्छी बात है, पुस्तक में बताता हूँ आपको, ये रही, ये जो पुस्तक है बृहत पाराशर होरा शास्त्र है, ये इसके अंदर आपको प्रत्येक, ये जो बृहत पाराशर होरा शास्त्र है, इस पुस्तक में आपको प्रत्येक ग्रह के स्थिति, ग्रह स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी, जो भी मैं बता रहा हूँ वो श्लोक आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे इस ग्रंथ में, विशेष धन योग माँ, विशेष धन योगों के अंदर यस जो भी श्लोक है ये इस ग्रंथ में आपको प्राप्त हो जाएंगे। और आपको लिखने की इच्छा हो तो मैं
कम जो वीडियो का जो एडिट करूँगा उसके अंदर ही मैं बीच बीच के अंदर आपको श्लोक भी देता रहूँगा। तो धन्यवाद मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य ही करिएगा। धन्यवाद।